पूछोगे इज द ऑक्टेट कंप्लीट ऑफ द एलिमेंट, व्हाट आर यू गोइंग टू चेक फर्स्ट? ऑक्टेट, ठीक है. उसके बाद से इफ यू आर गोइंग टू चेक डज इट हैव अ लोन पेयर, ठीक है. व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट यू आर गोइंग टू चेक? लोन. नाउ अभी अभी हमने अमोनिया बनाया था, अमोनिया हमने ऐसे बनाया था, ठीक है. क्या इस अमोनिया के नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? यस सर. क्या नाइट्रोजन का के पास लोन पेयर है? नो सर. है ना, है ना, ये रहा ना लोन पेयर. रोहित ये देखो बेटा, ये लोन पेयर है ना, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, अब अगर अगर हाइड्रोजन आयन इसके पास आया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है. अब इसका मतलब ये अब बॉन्ड कैसा बना, यहाँ से आपका ऐसे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, ये कोवेलेंट बॉन्ड है. लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. एंड इस सब के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. सो दिस माई डियर फ्रेंड्स इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगेन व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक फॉर अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? सर ऑक्टेट एंड लोन पेयर. ठीक है, सेकेंड थिंग लोन पेयर. अब आते हैं वाटर पे. हमने वाटर भी किया था. वाटर में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इधर शेयर हो गया, इधर शेयर हो गया, और हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास ऐसे दो और होते हैं. क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? यस सर. यस सर. क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? यस सर. यस सर. ठीक है, अब अगर इसके पास H प्लस आएगा तो ये लोन पेयर इधर डोनेट हो जाएगा बॉन्ड में. मतलब क्या हुआ, ये हमारा वाटर था, ठीक है, डॉट क्रॉस ऑक्सीजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे क्रॉस क्रॉस, ये जो नेक्स्ट दोनों क्रॉस है वो चले गए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया. रिमेंबर लास्ट ईयर आप लोगों ने किया था, वाटर पे H प्लस आता है तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, अमोनिया पे H प्लस आता है तो वो अमोनियम आयन बनाता है. तो ये क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना. yes. अब एक देखते हैं, लेट्स लुक एट वन मोर. ओके, सो एक और देखते हैं हमारे इसमें. जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, बोरोन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13. नाउ ग्रुप नंबर 13 का मतलब इट हैज ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स. इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है. अब हम आते हैं अमोनिया को लेके आते हैं. अमोनिया के साथ क्या होता है, अमोनिया के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स बॉन्ड्स विद 3 हाइड्रोजन आयन्स. अब जरा देखना क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. डज इट हैव 8 डॉट्स एंड क्रॉसेस अराउंड इटसेल्फ? यस सर. डज नाइट्रोजन आल्सो हैव अ लोन पेयर? यस सर. तो ये लोन पेयर इधर चला जाएगा, इसके साथ क्या बना जाएगा, इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो अगर मैं इसे बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो बोरोन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फ्लोरीन का, कोवेलेंट बॉन्ड फ्लोरीन का, कोवेलेंट बॉन्ड फ्लोरीन का. नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ क्या गया, एक बॉन्ड ऐसे गया. ये एरो वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है. तो आज के लिए यहीं तक. नाउ यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू कम. ओके, आज पेरेंट्स की क्लास.